नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BK24 स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 14 सितंबर 2018 और इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 सितंबर 2018 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और साथ ही साथ उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा ताकि आपके आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सके। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। तो टेलीग्राम पे जब एक साथ हो जाती है 3-4 दिन में तो मैं जो है वहां पर सारे के सारे PDF डाल देता हूं, तो आप लोग वहां से भी उसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो 13 सितंबर 2018 की वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स के आपसे 2 प्रश्न पूछे थे जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने थे, तो आप में से काफी ज्यादा लोगों ने उसका सही आंसर दिया था। तो क्या थे उनके सही आंसर इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और आज की वीडियो में भी 2 प्रश्न आपके लिए हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको आते होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना आज का करंट अफेयर का ले रहे हैं कि 13 सितंबर 2018 को किसके द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। 13 सितंबर को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस ऐप के द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति के संबंध में सभी जानकारियाँ मिलेंगी। तो जो स्कॉलरशिप मिलती है या फिर जो स्कॉलरशिप के लिए जो छात्र आवेदन करते हैं, ठीक है, उस ये जो ऐप है ये उसी के लिए बनाया गया है। इसके द्वारा आप जो है आवेदन कर सकते हैं, इसके द्वारा आप जो फोटो वगैरह अपलोड की जाती हैं, जो डॉक्यूमेंट इस अपलोड किए जाते हैं, सबके सब जो है इससे हो जाएगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप से संबंधित सारी जानकारी आपको इस ऐप की सहायता से मिल जाएगी। तो यही है इस ऐप का काम, तो यही बनाया गया है छात्रों की सुविधा के लिए कि उनको जो है जो छात्रवृत्ति से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि हाल ही में किस देश ने हिंदू मंदिरों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो ये जो हिंदू मंदिरों में जानवरों की बलि पर जो प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है वो किया है श्रीलंका ने, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से कुछ चीज़ें कि श्रीलंका ने जो है पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है जो भी बलि होती है जानवरों की मंदिरों में, ठीक है, चाहे वो पक्षी हो गए चाहे वो बकरी वगैरह हो गए। अब सभी लोग जानते हैं हिंदू मंदिरों में जो है बलि होती है, तो ये जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है, ठीक है। श्रीलंका में 21% हिंदू आबादी है, तो ये जो है वहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसी तरीके से वहाँ पर हिंदू के लिए भी है, ठीक है। तो उसी की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि यहाँ पर जो मंदिर हैं उनमें बलि को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो इसी प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति वहाँ के मैत्रीपाल सिरिसेना हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी, राष्ट्रपति का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है श्रीलंका के, तो यहाँ पर साफ ये चीज़ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो कितनी FDC दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो ये है 328, ठीक है, 328 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा, साथ में याद रखिएगा कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की दवाइयों में 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ मिली होती हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक दवाइयों के सहयोग से फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाई बनी होती है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो है मतलब इन्हीं की देखरेख में ये चीज़ें जो है प्रतिबंधित की गई हैं, 328 दवाइयाँ, और इसमें आपने सुना होगा विक सेक्शन 500 का नाम जरूर सुना होगा, इसमें वो भी शामिल है। तो ये दवाइयाँ एंटीबायोटिक के तौर पर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो ये दवाइयाँ हैं ज़्यादातर दवाइयाँ इसमें पेन किलर की श्रेणी में आती हैं, ठीक है, जो कि हम बहुत जल्दी कह सकते हैं कि बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आने वाले टाइम पे दिखेगा आपको कि काफ़ी दवाइयां जो हैं वो मेडिकल स्टोर वगैरह में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यही जो है इस तरीके की घोषणा यहाँ पर की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे।
चौथा क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे के 100% विद्युतीकरण को मंजूरी प्रदान की है। तो ये जो मंजूरी प्रदान की गई है, ये मंजूरी दी गई है 2021-2022 के लिए, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से कि जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने जो है 2021-2022 तक ये घोषणा की है, ये मंजूरी प्रदान की है कि जो रेलवे है वहाँ पर 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो आयातित जीवाश्म ईंधन हम मंगाते हैं बाहर से, बाहर देशों से, उसकी निर्भरता को कम से कम किया जाए ताकि राजस्व का बचाव भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी अगर हम बाहर से किसी चीज़ को मंगा रहे हैं तो हमको उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जब हम जैसे बिजली से चलाने लगेंगे तो ये जो है बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा हमको, तो ये हमारे देश का खुद ही हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, राजस्व में ही बचाव बचत होगी, जिससे कि मतलब कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं, ओके। तो यहाँ पर से देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने किस मस्जिद के परिसर से फिरोज शाह तुगलक के समय के 254 सिक्कों की खोज की है। तो मस्जिद का नाम हमें बताना है, तो मस्जिद का नाम है जहाँ से 254 सिक्के मिले हैं वो है खिड़की मस्जिद, ठीक है। खिड़की मस्जिद जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। याद रखिएगा बेसिकली ये जो सिक्के हैं वो फिरोज शाह तुगलक के समय के नहीं हैं, लेकिन ये जो मस्जिद है ये जो है फिरोज शाह तुगलक के समय की है, ठीक है। इस मस्जिद ये जो मस्जिद है ये नई दिल्ली स्थित खिड़की गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण खान ए जहान जुनान शाह ने करवाया था, जो कि फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो ये जो सिक्के हैं ये तांबे के सिक्के हैं, और इन सिक्कों से अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये सिक्के जो है काफ़ी पहले या फिर उसके बाद जो है रखे जा सकते हैं। तो इसमें जो है क्या लिखा हुआ है इन सिक्कों के ऊपर, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में लिखा हुआ है, ये भी अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसके बारे में अगर कोई डिटेल में, अगर कोई नॉलेज बाद में कोई भी जो न्यूज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये चीज़ें याद रखिएगा, ये हमारे काम की चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने आपके सामने रखी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 13 सितंबर को रूस की कितने दिवसीय यात्रा पर गई हैं, ठीक है। 13 सितंबर 2018 को सुषमा स्वराज विदेश यात्रा पर गई हैं, तो हमें बताना है कि कितने दिवसीय यात्रा है ये। तो ये यात्रा है 2 दिवसीय, ठीक है। क्या क्या है इस यात्रा में और क्या है इस यात्रा के अंतर्गत, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा। ये इस दौरान वो जो यात्रा में गई हैं इसमें द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत करेंगी। वो यहाँ पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की होने वाली 23वीं बैठक में भी हिस्सा लेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा कि रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और राजधानी है रूस की मॉस्को, और मुद्रा है रूपल। तो यहाँ से चीज़ याद रखिएगा, राजधानी कहाँ पर पड़ती है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ की मुद्रा क्या है, ठीक है, और वो किस लिए गई हैं सुषमा स्वराज जी वहाँ पर, ये चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा। 23वीं बैठक में भी ये हिस्सा लेंगी और द्विपक्षीय सहयोग पर यहाँ पर बातचीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्म भूषण श्री विजय शंकर का निधन हो गया, वे थे क्या थे वो, तो वे थे कृषि अर्थशास्त्री, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ से, और मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, और ये जो ये वाला पॉइंट है ये थोड़ा काम का है कि श्री व्यास जो है अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य थे, ठीक है। तो इन्हीं का निधन हो गया है 87 वर्ष की आयु में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सैमसंग ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र खोला है, तो ये जो खोला गया है वो खोला है बेंगलुरु में, ठीक है। सैमसंग की तरफ से सबसे बड़ा अनुभव केंद्र खोला गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में सैमसंग ओपेरा हाउस के नाम से करीब 33,000 वर्ग में इस खुले इस एक्सपीरियंस जोन में ग्राहक सैमसंग उत्पादों का अनुभव ले सकेंगे। तो खरीदने से पहले भी जो है कोई भी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं सैमसंग का, तो यहाँ पर उसको ख़रीदने से पहले यहाँ पर आप उसका अनुभव ले पाएंगे, ठीक है, और देख पाएंगे कि कैसा जो है यहाँ चलता है। जैसे मोबाइल कोई लेना है आपको तो यहाँ पर जाके जो है आप उसको कह सकते हैं कि चेक कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जुलाई 2018 में सैमसंग ने नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण फैक्ट्री लॉन्च की थी। तो ये हम सभी को पता है, उस वक्त भी मैंने ये जुलाई के करंट अफेयर्स में बताया था कि नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण फैक्ट्री लॉन्च की गई है सैमसंग की तरफ से,
ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यूपी जीके के लिए काफ़ी, करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए किस राज्य सरकार ने 1 लाख से अधिक पंप सेट वितरित करने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा की गई है, ये की गई है असम की सरकार ने, ठीक है, असम की सरकार ने 1 लाख से अधिक पंप सेट वितरित करने की घोषणा की है, ये आप याद रखिएगा। साथ में ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जो पंप सेट है वो नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास योजना के तहत वितरित किए जाएंगे, ठीक है। तो इस पंप सेट में जो है कई टाइप के पंप सेट हैं जो सोलर पैनल से चलेंगे, ठीक है, सौर ऊर्जा से, और इसमें कुछ ऐसे ईंधन से भी चलेंगे, तो मतलब डीजल वगैरह से। तो इस तरीके के काफ़ी जो है पंप सेट हैं जो कि अलग अलग श्रेणियों में हैं। तो 1 लाख से अधिक पंप सेट बांटे जाएंगे किसानों को। असम के जो कृषि मंत्री हैं अतुल बोरा हैं, इनका नाम याद रखिएगा, और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी। तो सरकार जो है काफ़ी जोर दे रही है कि 2022 तक किसानों की जो आय है उसको दुगना किया जाए, तो उसी के तहत जो है ये पंप सेट वितरित करने की घोषणा की गई है। चलिए क्वेश्चन 10वां है कि हाल ही में किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने हेतु किस योजना का प्रारंभ किया गया है। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की जो है योजना प्रारंभ की गई है। तो बेसिकली ये जो योजना है इसमें जो किसान हैं, ठीक है, जो समर्थन मूल्य देती है सरकार किसानों को, उसके बारे में और भी कई चीज़ें जो है इसमें जानकारियाँ होंगी, जो कि किसानों को उनकी आय का जो भी वो सामान बेचते हैं, ठीक है, किसी को भी बेचते हैं, तो उसका जो सही मूल्य है, ठीक है, कहाँ पर कितना उनको मिलेगा और किस तरीके से सरकार उसको खरीद रही है, उनको सारी जानकारी रहेगी, ठीक है। क्योंकि बिचौलियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पर, तो जो है जितने भी जो आपका कह सकते हैं कि खरीदारी होगी वो किसान और सरकार के बीच में डायरेक्टली होगी, क्योंकि किसानों के पास सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादातर याद रखिएगा। तो चलिए ये है हमारे यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इससे पहले वाले करंट अफेयर्स में 2 प्रश्न आपसे पूछे गए थे कि निम्न में से कौन सी फिल्म सऊदी अरब में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर था वो था गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जो है सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है, ये जरूर याद रखिएगा। और ये जो फिल्म है ये 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत की जीत की कहानी पर आधारित है, अक्षय कुमार इसमें हीरो है। तो आप लोगों को अगर मूवी देखनी होगी तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी है, तो अगर टाइम रहता है तो ज़रूर देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया, ठीक है, ये आपको बताना था। तो इसमें जो सही आंसर था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, तो ये है अनुच्छेद 370, ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार इसका जो अलग संविधान है, यहाँ पर अलग इसका ध्वज है, ठीक है, और जो भी केंद्रीय जो योजनाएं होती हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर लागू नहीं की जा सकती बिना राज्य सरकार से परामर्श लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी जो है सुविधा दी गई है विशेष राज्य का दर्जा होने के नाते इससे, ठीक है। तो जीके वाले प्रश्न में मैं इसके बारे में आपको डिटेल से ज़रूर बताऊंगा आने वाले टाइम में, याद रखिएगा। आपके लिए आज के 2 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न मेरा है करंट अफेयर का, कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 3 नए जिलों के निर्माण हेतु विधेयक पारित किया है। तो जो भी आपको सही लगे आप कमेंट करके बताइए, सही भी नहीं लगता है अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो गेस करके बताइए कौन सा आंसर होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सही आंसर बताऊँगा। तो ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन जीके का है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, कौन थे, ठीक है, तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। मैंने देखा है कि मैक्सिमम कितना भी याद कर लो बच्चे इसमें लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप अगर नहीं होते हैं तो सही आंसर बताइए, नहीं तो गेस करिए, देखते हैं सही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, किसी तरह के कोई सजेशन होंगे कमेंट में लिख के बताइए, और साथ ही साथ बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।